अलवर जिला पुलिस के सुरक्षा सखी संवाद के तहत अन्वेषण भवन में हुए ओरिएंटेशन प्रोग्राम में एडीजे एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुनील गोयल व जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया व एसपी तेजस्विनी गौतम ने सुरक्षा सखियों से संवाद किया। इस प्रोग्राम के जरिए इसमें एडीजे सतर्कता बीजू जोर जोसफ वर्चुअल रूप से शामिल हुए। एसपी तेजस्विनी गौतम ने सुरक्षा सखियों का स्वागत किया। इस मौके पर 8 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री का भी प्रसारण किया गया। यहाँ तक कि उनको जल्दी कन्वेक्शन तक केस ऑफिसर स्कीम में ले जाना था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे डीजीपी साहब श्रीमान एमएल लाठर साहब के द्वारा और डीजी सिविल राइट्स नीना सिंह मैडम के द्वारा पूरे राजस्थान में सुरक्षा सखी के नाम से हमारे सामुदायिक पुलिस परिवार में एक नया अंग जोड़ा गया। जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया ने कहा कि सुरक्षा सखी के रूप में जिम्मेदारी लेने वाली जो महिलाएं आगे आई हैं, वे उनका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा महिला एवं बाल अपराध को रोकने की दिशा में पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाई गई सुरक्षा सखी योजना इसमें मील का पत्थर साबित होगी। सुरक्षा सखी योजना महिलाओं की भागीदारी पुलिस में भी सक्रिय की जाए और ये जो आज आप लोग हैं, मैं समझता हूँ आप अपनी सुरक्षा से हैं, आप स्वयं ने आगे बढ़ करके अपना आवेदन दिया है कि समाज सुधार के लिए मैं सुरक्षा सखी बनना चाहती हूँ। शायद किसी को ये नहीं कहा होगा आप बन जाइए, घर वालों ने नहीं कहा होगा, पर आपने खुद ने ही अपना दायित्व समझा कि यदि मैं सुरक्षा सखी का दायित्व संभालूंगी तो समाज को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा मिलेगी। अति सम्माननीय जज साहब आपको बता रहे थे कि देखिए डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के अधिकारी हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पूर्णकालिक रूप से कार्यरत हैं। ये पद वैसे तो पूरी जुडिशियरी समाज के लिए है, हम सभी समाज के लिए हैं, पर आपका दायित्व फैसले नहीं करके लोगों को सुगमता आसानी फैसिलिटेट करने का कार्य है कि गरीब आदमी को, महिला को हम लीगल एड में उसके वकील को प्रोवाइड कराएं, उसको आगे के लिए हम गाइड करें और हम अपने अधिकारों को जाने और अपना जो हेजिटेशन है ये उसको हम आप लगातार जब कोविड है नहीं, आपके बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, हम लोग कई बार जब रात्रि चौपाल में कई बार हम साथ भी होते हैं, आपके कार्यक्रम हम जाते हैं तो हम एक दूसरे के, क्योंकि हम सबका जैसा जैसा आपने बताया हम कोई अलग अलग नहीं है, हम सब समाज के लिए ही आए हुए हैं, तो आप एक्चुअली कार्यक्रमों के माध्यम से एक जागरूकता पैदा करते हैं और लोगों को बताते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं, आपकी मजबूरियाँ क्या हैं, राज्य सरकार आपको फैसिलिटेट करने के लिए आपके द्वार पर खड़ी हुई है। सब कानूनों की जानकारी, सब योजनाओं की जानकारी सभी को होना बिल्कुल संभव नहीं है, इसलिए एक्चुअली कुछ सेलेक्टेड लोग, जो अच्छे लोग, जो जागरूक लोग हैं वो अगर आगे आ जाएं तो निश्चित रूप से समाज को एक अच्छा संदेश जाता है, सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है। कोई भी क्राइम जब होता है कुछ क्राइम जानबूझ के किए जाते हैं, कुछ क्राइम ऐसे रहते हैं कि वो अज्ञानता में हो जाते हैं, उनमें जज साहब भी बड़े विश्लेषण के बाद में ये तय करते हैं कि भले 100 अपराधी बचाएं पर एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। उसमें कई बार लोग कहते हैं कि साहब इसको ये हो गया, ये हो गया, पर न्याय का सिद्धांत है कि निर्दोष आदमी नहीं मरता। तो यहाँ तो आपकी जिम्मेदारी केवल इतना सा नहीं है कि आप थाने पर चली गई, आपने थाने पर बता दिया, आपको अगर किसी घटना के विषय में जानकारी होती है आप तथ्य ध्यान में आते हैं कि आपको एक मूल जो मुलजिम है वो छूट रहा है और ये 3 आदमी ऐसे हैं साहब ये बिल्कुल दोषी नहीं है या नहीं थे, आप ऐसे तो साहब या एक्चुअली उनके आई हो उनको आप रिक्वेस्ट करें, सर मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी राय ये है, ये अगर होता है तो समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा, अपराधी नहीं बचेगा। पर उसमें आप ये नहीं है कि ऐसे तो नहीं कर रहा है, आईओ नहीं कर रहा है, मैं आपकी अच्छी से शिकायत करूँगी, आपको लगता है आपके डिवाइसिंग को बताइए कि सर मेरी ओपिनियन है, मैंने समाज में बात की है और धीरे धीरे अभी तो आपने एक इनिशियल स्टेज है आपका, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रोल समाज के लिए आपका हो जाएगा। इस दौरान एडीजे विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुनील गोयल ने भी सुरक्षा सखियों को आगे बढ़कर काम करने के लिए प्रेरित करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया।
मंच पर पुलिस प्रशासन एवं न्यायपालिका की ओर से प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं तथा किसी भी अपराध को कंट्रोल करने के लिए या अपराधी को दंड देने के लिए हम तीनों ही इंस्टीट्यूशंस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। निश्चित रूप से पुलिस का काम अपराधी को पकड़ना, कोर्ट में लाना और कोर्ट के सामने चालान पेश करना यहाँ तक होता है। उसके बाद कोर्ट का काम शुरू होता है क्योंकि जो कोर्टों में न्यायाधीश करते हैं, जजेस करते हैं और उसके बाद सजा या गरीब जो भी होता है उसमें केस का फैसला होता है। फिर प्रशासन का काम चालू होता है कि उस फैसले से संतुष्ट है या नहीं है, अपील करनी है या नहीं करनी है। तो इस तरीके से तीनों ही अंगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम देखते हैं गाँव में या मोहल्लों में या कस्बों में महिलाएँ जिसके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, कोई अपराध हो रहा है, किसी तरह की कोई घटना हो रही है, वो अपनी बात को हर बात को पुलिस से नहीं कह सकती। और हम देखते हैं कि कई बहुएँ ऐसी होती हैं जो अपने सास के घर से अपनी बात किसी से नहीं कह पाती, या कई छोटी बच्चियाँ होती हैं जो वास्तव में बहुत परेशान है लेकिन किसी को बताने में समझ नहीं, क्या उनको ये नहीं पता कि उनकी बात कहाँ कही है, कैसे कही है, किससे कही है। उसके लिए सुरक्षा सखी के रूप में आप लोगों को अपॉइंट किया गया और क्योंकि आप लोग ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हो इसलिए आपका यह दायित्व बनता है कि जो आपको उत्तरदायित्व दिया गया है कि वास्तव में जो महिला या बच्ची किसी अपराध से पीड़ित है उसकी बात को आप लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तो ये केवल लीगल एड का काम करता है। जो भी पीड़ित व्यक्ति आता है उसकी हर संभव मदद करने का हमारा काम है। हमारा काम कोर्ट में फैसले करने का, जैसे अभी कुछ टाइम के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा काम जजमेंट करना है। हमारा काम केवल जो भी पीड़ित आता है समाज से, चाहे महिला हो या पुरुष हो या बच्चा हो और सबकी है, पर क्योंकि बच्चे और महिलाएं समाज का एक ऐसा सेंसिटिव पार्ट है, उनके अंगों की रक्षा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारा बहुत परम दायित्व है। अब जैसे हम लोग क्या सहायता कर सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपने कोई केस पुलिस में शिकायत करवा दिया उसके बाद कोई वकील नहीं है या कोई विधिक सलाह देने के लिए कि आगे क्या कार्रवाई करें, आप लोग भी शायद लॉ हैंडेड नहीं है तो आप लोगों की जानकारी थोड़ी सीमित हो सकती है, आपको लगता है कि इसके बारे में कोई अगर वकील होता है या कोई कानून की जानकारी होती तो एक अच्छी तरीके से अपना पक्ष कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री लीगल एड का प्लेटफॉर्म है, वहाँ आप हमारे अप्लाई कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए तो या किसी भी इनकम ग्रुप की हो, किसी भी एज की हो और सबके लिए फ्री में एडवोकेट करने का एफर्ट करने का प्रोविजन है जो कि हम रेगुलरली करते रहते हैं। जितने भी मामले हमारे पास रिपोर्ट होते हैं 100% के जितने हम फ्री लीगल एड देते हैं और उसका कंटेस्टेड गवर्नमेंट क्लियर करते हैं। उसकी ट्रीटमेंट टाइपिंग फीस उसका पूरा मेहनताना और अच्छी फीस है, ऐसा नहीं कि अगर सरकारी कोई वकील कर रहे हैं तो कोई नाम मात्र का है और बच्चे बच्चे वकील कर रहे हैं, मतलब मिनिमम 10,000 रुपये फीस है। तो इसलिए आप लोगों से मेरा यही कि जैसे हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको दे देंगे तो यदि किसी को किसी भी तरीके की लीगल एड की आवश्यकता पड़े तो वकील अपॉइंट करना पड़े तो आप हमसे संपर्क करें, हम बता दें किस फॉर्मेट में आवेदन देना है और उसी दिन या अगले दिन आपको वकील की सेवा मिल। सुरक्षा सखियों के संवाद कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से एडीजे सतर्कता बीजू जॉर्ज जोसफ ने कहा कि इस योजना से उम्मीद है महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगेगा और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। पुलिस का अलवर जिले में महिला अत्याचार संबंधी प्रकरणों में कमी लाने का जो प्रयास है उसका आज फॉर्मल लॉन्च हो रहा है। राजस्थान पुलिस की हमेशा ये प्रयास रहा है कि महिला अत्याचार और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसके कमी लाने के प्रयास करें। हम इस दिशा में काफी मेहनत भी किया, काफी नए नए इनिशिएटिव्स भी शुरू किया, हमारे अनुसंधान अधिकारियों को संवेदनशील बनाया, त्वरित कार्रवाई करने के लिए उसको समय समय पर निर्देश देते रहा। इस बारे में इस दिशा में पुलिस मुख्यालय स्तर पर, रेंज स्तर पर, जिला स्तर पर, वृत्त स्तर पर और थाना स्तर पर
काफी महत्व दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं, जैसे अलवर भी ऐसे एक जिला है, जहां पर जो स्टैटिस्टिक्स देखेगा तो महिला अत्याचार, विमेन्स एट्रोसिटीज संबंधित मुकदमे में कमी नहीं आ रहा है, इनफैक्ट बढ़ोतरी आ रहा है। बावजूद हमारे प्रयासों के इस प्रकार जो रिजल्ट परिणाम हम चाह रहा था वो नहीं हो रहा था। सोशल अवेयरनेस वगैरह पैदा करने के लिए हमने काफी प्रयास किया है, पुलिस का प्रोएक्टिविटी, सेंसिटिवनेस और इस प्रकार का अपराधियों के खिलाफ से सख्ती से कार्रवाई करने के लिए हमने काफी प्रयास किया है। फिर भी इस दिशा में जो वांछित जो रिजल्ट है वो हमारे सामने पे नहीं आ रहा था। इसी कारण से हमने कम्युनिटी का सहयोग लेना चाह रहा है ताकि समाज में भी इस प्रकार जागरूकता आ जाए, सामाजिक स्तर पर इस प्रकार के जो तत्व है उसको चिन्हित करें, महिलाओं को इस प्रकार अवेयर करने के प्रयास करें ताकि तरह तरह का जो मामला है उसके बारे में पूरा समाज में नॉलेज है, जानकारी है, क्या अपराध है, क्या अपराध नहीं है, किस प्रकार का जो कंडक्ट है, व्यवहार है वो एक्सेप्टेबल है, किस प्रकार का व्यवहार जो है वो कानूनी अपराध है, वो दंड किस प्रकार का दंड उस प्रकार का व्यवहार को मिलेगा, कितना जल्दी उस प्रकार के व्यवहार करने पे उसको दंडित किया जाएगा, इस प्रकार समाज में एक मैसेज फैलाना है। तो हमारा जो बीट कांस्टेबल्स है, हमारे जो सीएलजी मेंबर्स है, हमारे जो ग्राम रक्षक है, ये सारे प्रयास कर रहा है, सारे इसी दिशा में भी कार्य कर रहा है, लेकिन महिलाओं का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट चाहिए। इसीलिए सबसे पहले एडिशनल डीजीपी, अभी डीजीपी सिविल राइट्स द्वारा एसपी अलवर को कहा गया कि इस प्रकार का इनिशिएटिव अलवर जिले से शुरू करें, तो अलवर एसपी द्वारा इस प्रकार जो इनिशिएटिव शुरू किया है और जो सुरक्षा सखियों को उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया, चिन्हित किया, सिलेक्ट किया, उनको फॉर्मल एक ट्रेनिंग चाहिए, फॉर्मल एक फेमिलियराइजेशन चाहिए कि उससे हम क्या अपेक्षा रखा है, किस प्रकार हम उससे सहयोग चाह रहा है, किस प्रकार का इनपुट चाह रहा है, किस प्रकार वो फील्ड में कार्य करना है। तो इस फेमिलियराइजेशन वर्कशॉप से मुझे उम्मीद है कि उनको कुछ प्रिलिमिनरी आइडिया मिल गया होगा, क्या लीगल प्रोविजंस क्या है, कानून में क्या क्या प्रोविजंस है और समाज में किस प्रकार इस तरह का मैसेज भेजना है। इस मौके पर एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आज अन्वेषण भवन में सुरक्षा सखी योजना के तहत ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें महिला सुरक्षा सखियों से संवाद किया गया, जिसकी शुरुआत प्रदेश में अलवर से की गई है। उन्होंने सुरक्षा सखी अभियान के उद्देश्य, प्रारूप और प्रस्तावित कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। देखिए, पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार डीजीपी साहब के स्टैंडिंग ऑर्डर और डीजी सिविल राइट्स मीना मैम के स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार सुरक्षा सखियों का गठन किया गया है प्रत्येक थाने में। ये महिला वॉलंटियर्स हैं जो पुलिस और महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अत्याचार में पुलिस के साथ एक सकारात्मक संवाद स्थापित करेंगे। उसी क्रम में आंगन एनजीओ के साथ मिलकर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो अलवर पुलिस ने बनाई है सुरक्षा सखी और अलवर पुलिस पे, वो लॉन्च की गई है और एक छोटा सा पैम्फलेट भी लॉन्च किया गया है। आज श्रीमान कलेक्टर साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी का जो सेक्रेटरी साहब हैं, एडीजे साहब, उनके द्वारा और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। सर्कल स्तर पे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है और निरंतर रूप से इन सुरक्षा सखियों को प्रदत्त करने के लिए, थोड़ा और एम्पावर्ड करने के लिए, ताकि ये समझ सकें कि क्या अपेक्षाएं हैं इनसे और इनके अगर कुछ सुझाव हैं, कुछ इनकी प्रॉब्लम्स हैं तो वो हम तक लाने के लिए, ताकि हम इनको एक बेहतर रूप में, इन वॉलंटियर्स को यूज़ करके
महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा सकें, अवेयरनेस जनरेट कर सकें और उसमें थोड़ी कमी ला सकें। मतलब किस तरह ये कार्य करेगी सुरक्षा सभी जो क्षेत्रों में जाके? ये देखिए, ये अपने गांव की लोकल हैं तो वहाँ पे सबको जानती हैं, सबके साथ एक अच्छा रिलेशन है इनका, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वॉलंटियर्स हैं और ये अपने संबंधित थानों पे लगातार संवाद स्थापित कर मंथली मीटिंग और जो भी प्रकरण इनके गांव से संबंधित होंगे, ढानियों से, वार्ड से संबंधित होंगे, उनके लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। इस मौके पर रोटरी क्लब व इंटेक द्वारा सुरक्षा सखियों के लिए कोट प्रदान किए गए। कार्यक्रम में एएसपी सरिता सिंह, ग्रामीण एएसपी श्रीमन मीणा सहित थाना अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मौजूद सुरक्षा सखी के रूप में जुड़ी महिलाओं ने एसपी तेजस्विनी गौतम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि इस योजना से जुड़कर हम पुलिस के साथ मिलकर महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों की रोकथाम में कुछ काम कर पाएंगे। इसकी आवश्यकता बहुत जरूरी थी, बहुत ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार एक तरीके से कह सकते हैं, तो हर घर में महिला डर के शाम को हम निकलने चाहिए कि हर घर में डर उसको निकालने के लिए और महिला की सुरक्षा के लिए जो राज्य सरकार ने जो पहल की है और राजस्थान पुलिस ने जो पहल की है, इसका मैं स्वागत करती हूं और मैं भी एक महिला सखी से जुड़कर मैं अपने आप को गर्व महसूस करती हूं और मैं पूरा विश्वास दिलाती हूं राजस्थान सरकार को और राजस्थान पुलिस को और हमारी यहाँ जो एसपी मैडम है वो भी एक महिला है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनके साथ हम मिलकर एक अच्छा काम करेंगे और इसमें पूरी तरीके से सहयोग कर पुलिस को अपराध रोकने की हम कोशिश करेंगे। बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमें महिला सुरक्षा सखी चुना गया है और हम बच्चियों और महिलाओं के लिए एक अच्छी जागरूकता लाएंगे, समाज में अच्छी जागरूकता लाएंगे। पहले महिलाएं क्या करती थी कि अपना जो शोषण होता था उसको कह नहीं पाती थी, पुलिस से नहीं कह पाती थी और वो डरती थी कि हमारा कहीं शोषण खुद का मतलब हमें डरा ना दिया जाए। अब हम लोगों ने महिला सुरक्षा सखी ने ये कर लिया है कि जनता और पुलिस के बीच का जो कड़ी है वो हम बन के और जनता के सामने उनकी परेशानियाँ, पुलिस के सामने परेशानियाँ, सारी परेशानियाँ जो भी हैं उनकी वो क्लियर करेंगे और उनको समझाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आँख और कान का कार्य करेंगे महिला सुरक्षा सखी होने के नाते।